हेलो डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज मधुलिका फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट रेजोनेंस कोटा मास्टर सीरीज की आज की सेगमेंट में हम कवर करेंगे चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो चलिए देर नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं प्रॉड एस्पेक्ट देखेंगे तो चैप्टर के इसमें हम इस चैप्टर को तीन सेगमेंट में बांटेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ेंगे केमेनो फोर और के टू आर टू ओ सेवन उनकी प्रिपरेशन और उनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहेंगे और लास्ट जो सेगमेंट है हमारा वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें हम लेथेनोड और एक्टेनोइड्स के बारे में स्टडी करेंगे तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर की स्टार्टिंग तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी सबशेल में और उसी के कारण इनका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेयर एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इन एफ सबशेल डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एन माइनस वन डी वन टू टेन डी सबशेल में वन टू टेन इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एन एस वन टू वेयर एज फॉर एफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डी किसी -किसी में, में भी शिफ्ट हो सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप थ्री टू ट्वेल्व और फोर सीरीज के फॉर्मेट में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप थ्री में रहते हैं और टू सीरीज के फॉर्म में पाए जाते बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जहां से हमारा एम सी क्यू सेगमेंट अराइज होता है फोर सीरीज कौन कौन सी होती है डी ब्लॉक में थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज फाइव डी सीरीज सिक्स डी सीरीज इट मीन इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है थ्री डी में फोर डी में फाइव डी में और सिक्स डी में ओके थ्री डी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है स्कैंडियम टू ट्वेंटी वन टू थर्टी ओके फोर डी सीरीज आपकी एट्री टू कैडमियम देन फाइव डी सीरीज लेंथनम फिफ्टी सेवन के बाद हॉफमियम से लेकर एच जी तक ओके okay, और यहाँ पे सिक्स डी सीरीज आ गई हमारी एक्टिनियम और उसके बाद रोडियम से लेके सी एन तक तो ये चार सीरीज है हमारी इन सीरीज के लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें आते हैं क्या एटॉमिक नंबर है उसका आइडिया हमें होना चाहिए इसी तरीके से एफ ब्लॉक में हमारे पास दो सीरीज है फोर एफ सीरीज और फाइव एफ सीरीज इट मीन इलेक्ट्रॉन फोर एफ में एंटर कर रहा है और वो कौन सी है सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक के एलिमेंट्स हैं उनको हम जनरल टर्म देते हैं क्योंकि क्योंकिम के जस्ट बाद स्टार्ट होते हैं 58 टू 71 वन यहाँ पे फाइव एफ सीरीज है थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जिसे हम बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर करता है फाइव एफ में तो जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन है और एमसी क्यू सेगमेंट की इंफॉर्मेशन है देन हम मूव करते हैं देखिए एक ये रहे आपके पास एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज जो हमारी थ्री डी सीरीज है ये आ गई हमारी 3D सीरीज स्कैंडियम 2 जिंक 21 टू 30 देन हमारी 4D सीरीज आ गई 39 टू 48 कैडमियम तक देन हमारी 5D सीरीज आ गई 57 लेंटेनम और उसके बाद 72 हाफमियम से लेके 80 एचजे तक ये हमारी 5D सीरीज और 6D सीरीज हमारी एक्टिनियम और उसके बाद रजर पोडियम से लेके सीएन तक ये हमारी चार सीरीज हो गई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और इसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे फिफ्टी सेवन से 72 टू के बीच हमारे ये क्या आ गए फिफ्टी एट से लेके सेवेंटी वन तक ल्यूटिशियम और 90 से लेके हमारे वन हंड्रेड थ्री तक हमारी आ गई एक्टिनोइड सीरीज क्लियर तो ये जनरल एक आपको आइडिया है एलिमेंट्स क्या याद करने पड़ेंगे बिल्कुल रियर स्टूडेंट्स एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स आप याद करिए और फर्स्ट सीरीज आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए इसके एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक एस्पेक्ट है जो मैंने एनसीआर से ही डायरेक्ट पिक लिया है देखिए देखिये स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या होता है एन माइनस वन एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस टू मतलब आउटर शेल अगर मैं थ्री डी सीरीज की बात करूंगी तो यहाँ पे फोर एस होगा फाइव डी होगी तो सिक्स एस होगा तो फोर एस फाइव एस सिक्स एस जो आउटर शेल है एस वो पहले भर जाता है और उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में एंटर करता है अब फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे तो स्कैंडियम 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 अब क्रोमियम जो आता है हमारा क्या आ गया हमारा एटॉमिक नंबर 24 ये क्या है यहाँ पर क्या होना चाहिए था 3d2 सॉरी 4s2 और 3d4 होना चाहिए था बट ये क्या है हमारा एक्सेप्शनल है इसका कॉन्फिगेशन क्या आता है फोर एस वन थ्री डी फाइव ओके इसी तरीके से जब हम आगे फिलिंग करते हैं तो कॉपर कौ, का जो है एटॉमिक नंबर ट्वेंटी उसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है हमारा होना चाहिए था नाइन बट होता है थ्री डी टेन क्यों होता है ऐसा एक्सेप्शनल एक्ष, कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले भी पढ़ चुका है इलेवंथ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं आप कि यहाँ पर हमारा क्या आ गया डी फाइव कॉन्फिगेशन आ गया डी टेन कॉन्फ़िगरेशन आ गया हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है ज्यादा स्टेबल कॉन्फ्रिगेशन है इसलिए एलिमेंट इन कॉन्फ्रिगेशन को प्रेफर करता है इसी तरीके से जो आपकी नेक्स्ट सीरीज है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या फोर डी सीरीज है उसमें आपके पास नायोबियम टेक्नीशियम रुथीनियम रोडियम पैलेडियम इन सब के एलिमेंट्स भी क्या है नॉर्मल फिलिंग से एक्स्ट्रा फिलिंग या एक्सेप्शनल फिलिंग के केस हैं तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पेलीडियम का है जहां पे कॉन्फ्रिगेशन आ जाता है फोर डी टेन फाइव एस जीरो कंपेरेबल एनर्जी होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है तो यहाँ पे इस सेगमेंट में हमें क्या रखना है एक्सेप्शनल कॉन्फिगेशन को याद रखना है तो क्रोमियम का का कॉपर काम सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड इन सब के कॉन्फिगेशन हमें अच्छे से आने चाहिए इन पर आपके एमसीक्यू अराइज होते हैं देन देखिए क्वेश्चन इस टाइप का स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है देखिए पहले तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते थे क्योंकि एस और पी के बीच में वो आते थे और उनकी प्रॉपर्टीज उन एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ट्रांजिशन शो करती थी बट नाउ अकॉर्डिंग टू आई यूपीएससी कन्वेंशन आई यूपीएससी अब क्या डेफिनेशन देती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कि इसके पास क्या होना चाहिए अनफिल्ड या मैं अनफिल्ड की जगह ज्यादा बेटर टर्म यूज करती हूँ पार्शियली फिल्ड ठीक है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए कहां या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में या उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ओके अगर इनमें से किसी एक, एक में भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर किसी एलिमेंट के पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं तो वो कहाँ क्या आएगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा अगर ऐसा नहीं है फुल फिल्ड कॉन्फिगेशन आ रहा है तो क्या आ जाएगा वो एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होगा पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा तो स्कैंडियम का देखिए स्कैंडियम का हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए देन 3d1 4s2 ठीक है तो इसके पास क्या आ रहा है डी में वन इलेक्ट्रॉन आ रहा है डी और बाइटस पार्शियली फिल्ड है बट अगर मैं जिंक का करूंगी ठीक है ये स्कैंडियम का रखा है मैंने जिंक का करूंगी तो जिंक में क्या आ जाएगा आर्गन ठीक है तो इसके ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगेशन में क्या आ गया डी टेन आ गया अगर मैं इसकी प्लस टू भी लू जिंक प्लस टू लेती हूँ तो जिंक प्लस टू में क्या हो जाएगा फोर एस के दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तब भी कॉन्फिगेशन क्या आएगा डी टेन तो ना तो ग्राउंड स्टेट में ना मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किसी में भी इसके पास फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं आ रहे हैं इसलिए हमारा जिंक क्या है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो जिंक कैडमियम और मरकरी इन तीनों में क्या होता है हमारा डी टेन कॉन्फिकेशन होता है इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है तो ये आपका क्वेश्चन है इसी तरीके से सिल्वर एटम हैज कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स सिल्वर के पास भी फोर डी टेन कॉन्फिकेशन है इन ग्राउंड स्टेट बट स्टिल

सिल्वर प्लस निकालेंगे, तब भी क्या आएगा? आएगा। बट अगर मैं सिल्वर प्लस टू निकालूंगी सिल्वर प्लस टू पाया जाता है? है, तो है और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है डी और पार्शियली फिल्ड है इसलिए किस कैटेगरी में आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा देन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उन पर आपको कॉन्फिगेशन लिखने तो डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं फॉर योर आइडिया तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम प्लस थ्री दिया था वन अगर मुझे क्रोमियम प्लस थ्री करना है तो क्या हो जाएगा फोर एस भरता पहले है बट इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी उसी में से निकलेंगे क्योंकि वो क्या है आउटर मोस्ट है तो यहाँ से वन इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से निकल गए तो क्या हो गया एक यहां से निकल गए दो यहाँ से निकल गए थ्री डी थ्री ओके तो क्रोमियम प्लस थ्री का कॉन्फिगेशन आ गया आर्गन थ्री डी थ्री इसी तरीके से कॉपर का कॉन्फिगेशन अभी हमने देखा था कि क्या आएगा आर्गन थ्री डी टेन फोर एस वन ओके तो कॉपर प्लस में क्या हो जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा देन आपके पास कोबाल्ट प्लस टू आता है तो कोबाल्ट का कॉन्फिगेशन लिखिए कोबाल्ट का कॉन्फिगेशन आ गया आर्गन थ्री डी सेवन फोर एस टू अभी हमें कोबाल्ट के प्लस टू करना है तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा थ्री डी सेवन से का का करिए क्या आएगा आर्गन क्योंकि तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पर प्लस टू करना है फोर एस के दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा थ्री डी फाइव तो इस तरीके से आपको ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक इन आयनिक स्टेट भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो है मेटेलिक प्रॉपर्टी शो, शो करने का मतलब क्या है कि उनके पास मेटेलिक लस्चर होगा डक्टाइल होंगे मेलेबिलिटी होंगे थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो जो मेटल्स के प्रॉपर प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये शो करते हैं हार्डनेस होगी ठीक है मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट 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 एंड बॉइलिंग बॉइलिंग और की बात करते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या होते है? होते हैं हैं हाई पहली बात फिर आता है कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जब आप चैप्टर कवर कर रहे हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग बेस्ड तो पहले प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और फिर उस प्रॉपर्टी का रीजन भी आपको पता होना चाहिए तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स तो वाई उसका रीजन भी आना चाहिए तो उसका रीजन क्या है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से एन माइनस वन और एनएस यहाँ पे एन एस के बजाय जब आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वहां पे क्या है एन एस इलेक्ट्रॉन ही हैं सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन्स ही हैं यहाँ पर क्या आ गए एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए जो क्या करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसके कारण उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं हाई हो जाते हैं ये जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है देखिए डी इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्या होता जाएगा हाई होता जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तो यहां पर क्या है जैसे ही डी फाइव कॉन्फ्रिगेशन आ रहा है तो डी फाइव कॉन्फ्रिगेशन में क्या हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट्स हाई पे जा रहे हैं पीक शो कर रहे हैं उसका रीजन क्या है क्योंकि वही कि अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी फाइव में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए इंटर एटॉमिक इंटरक्शन क्या हो गया स्ट्रॉन्ग हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया तो एक बॉन्डिंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग तो रीजन आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा एलिमेंट का हाई हो जाएगा तो सिंपल बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के लिए है जितनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज्यादा होगा और मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने का क्या एस्पेक्ट है कि डी इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी साथ ही क्वेश्चन आता है द एंथेल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई उसका रीजन भी यही है कि एंथेल्पीज ऑफ एटमाइजेशन हाई होती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग ठीक है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी इट मीन्स इंटर एटोमिक इंटरेक्शन हाई होंगे उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इनकी हाई होती है और ग्रुप में भी एक पर्टिकुलर सीरीज में भी इंक्रीज होती है जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक में हम वर्टिकली प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं बट डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के केस में हम क्या करते हैं हॉरीजेंटली उनकी स्टडी करते हैं तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इन सीरीज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है क्यों इंक्रीज होती है क्योंकि सीरीज में जो रेडियस है देखिए डी इज टू होता है ठीक है एम क्या है मास तो एटॉमिक मास सीरीज में क्या होता है इंक्रीज हो रहा है तो मास इज इंक्रीजिंग बट इन सीरीज रेडियस इज डिक्रीजिंग ठीक है तो रेडियस डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई तो देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी ये आपका क्वेश्चन है कि वाई इन अ पर्टिकुलर सीरीज देर इज अ इंक्रीज इन डेंसिटी तो इन अ सीरीज व्हाट इज हैपनिंग एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग बट रेडियस इज डिक्रीजिंग सो एज अ नेट इफेक्ट डेंसिटी इज इनक्रीजिंग एटोमिक एंड आइनिक साइजेस की बात करते हैं अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि रेडियस इन अ पर्टिकुलर सीरीज क्या होती है ऑलमोस्ट डिक्रीज ही होती है तो द आय ऑफ द सेम चार्ज आयनिक की बात करें या सेम उसकी बात करें शो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन दीरीज विद द एटोमिक नंबर क्यों होता है ऐसा ऐसा होता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ बी इलेक्ट्रॉन्स ठीक है शील्डिंग का बेटा आपको पता ही है ये न्यूक्लियस है हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है आउटर इलेक्ट्रॉन्स है तो इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं रिपेल करने का काम करते हैं ओके और न्यूक्लियस क्या करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगा तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड इफेक्टिव अल्टीमेटली शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है तो आपकी शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ही बड़ी होगी बट यहां पर क्या हो रहा है क्योंकि ये शील्ड अगर कमजोर है ये वीक है तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेगा इंक्रीज होगा शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस है तो क्या हो जाएगा साइज जो है रेडियस क्या होती है डिक्रीज हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कम तो रेडियस क्या हो जाएगी अंदर की तरफ न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा जेड इफेक्टिव ज्यादा और रेडियस का साइज कम ये तो हुआ एक पर्टिकुलर सीरीज में अगर हम एक से दूसरी दूसरी से तीसरी सीरीज की बात करें थ्री 4D, 4D से 5D में फोर तो तो साइज में थ्री डी टू फोर डी तो आपको साइज में इंक्रीज दिखता है बट फोर डी और फाइव डी की सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है कम्पेरेबल साइज की हो जाती है ये, है? ये क्या हो गए कम्पेरेबल साइज के हो गए अब क्वेश्चन आता है कि जर्कोनियम और की साइज इंक्रीज क्यों नहीं होती? फोर 4D में जा रहे हैं, जा रहे हैं तो, तो है, क्या तो हो रहा है इक्वल हो रहा है तो उसका रीजन क्या आता है अब क्या होता है देखिए डे दे, स्टूडेंट यहाँ पे एटीएम के बाद आपका जर्कोनियम आया है यहाँ पेम के बाद यहाँ बीच में क्या आ जाते हैं हमारे एलिमेंट्स लेंथेनोइड के आ जाते हैं जो एक शेड्यूल्ड डिक्रीज दिखाते हैं अपनी सीरीज में ठीक है उस सीरीज डिक्रीज में साइज को डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं लेंथेनोइड साइज में एक ग्रेजुअल डिक्रीज दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं लेंथेनोइड और उसी का कॉन्सिक्वेंस होता है कि जरको नेम होफेम क्या हो जाते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हो जाते हैं तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है ओके okay, तो आपके पास सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर मैंने आपको बताए सब रीजनिंग के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं गिव द रीजन फॉर द स्टेटमेंट आयोनाइशन एंथेपी की बात करेंगे तो साइज में डिक्रीज हो रहा है आपको पता है कि आयोनाइशन एंथेरपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आईनेशन एंथैल्पी क्या होगी इंक्रीज होगी रीजन वही है कि पर्टिकुलर सीरीज में अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा साइज में डिक्रीज हो जाएगा और साइज डिक्रीज हो गया इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस आइनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एक ट्रेंड की बात करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज होती है बट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो मच हायर बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो फर्स्ट में फर्स्ट से सेकेंड में इंक्रीज होना होता है बट सेकेंड से थर्ड जो इंक्रीज है वो बहुत ही ज्यादा होता है अगेन रीजन वही है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए साइज में डिक्रीज होता है इसीलिए क्या हो जाती है इंक्रीज़ हो जाती है नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली आस्ट क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन द इंपॉर्टेंट टेंडेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पहली बात दूसरी बात आती है वाई क्यों देते हैं ऐसा देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स वन और टू ही दिखाते हैं क्योंकि उनके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ही रिमूव होते हैं इसलिए वो प्लस वन और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा एस इलेक्ट्रॉन एन एस इलेक्ट्रॉन तो निकलते ही है साथ में एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव हो जाते हैं दोनों का पार्टिसिपेशन होता है दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं। यहां पर देखते हैं ये देखिए कहां से शो कर रहा है मैंगनी शो कर रहा है तो इन द्री डी सीरीज द एलिमेंट विच इज शोइंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज मैंगनीज तो ये आपका क्वेश्चन हो गया मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो गई प्लस टू ओकेशन एलिमेंट विच इज शोइंग प्लस थ्री इट इज नीदर शोइंग प्लस टू एंड द हायर वन ओके तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन आ गए तो so, ये सिंपल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो गए देन आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन ट्रांजिशन और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है तो देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है वो कैसे इंक्रीज हो रही है इट इज इंक्रीजेस और डिफर बाय यूनिटी प्लस टू से प्लस थ्री प्लस थ्री से प्लस फोर प्लस फाइव ठीक है जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा पी ब्लॉक में इट डिफर्स बाय प्लस टू आपने देखा हुआ है लेड प्लस टू प्लस फोर ठीक है टेन प्लस टू टेन प्लस फोर तो इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन इज प्लस टू ओके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बिकॉज ऑफ इनर पेयर इफेक्ट ठीक है तो वो क्या हो जाएगी प्लस टू प्लस फोर से ज्यादा स्टेबल होगी और जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ ब्लॉक्स में कुछ uh, ग्रुप्स में क्या होगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल होती हैं, ज्यादा फ्रिक्वेंटली अकर होती हैं। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकल और आयरन की आती है हमारे पास जीरो इन देयर कार्बोनिल कंपाउंड ये दोनों भी आपके पास क्या है एमसीक्यू है वॉट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल और आपके पास है बिकॉज द इन्वेंट ऑफ एन एस एन एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट और छोटे छोटे एमसीक्यू जो मैंने आपको बताया वो भी आपको अलर्ट रहने हैं सभी वन मार्क क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे देन इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वाले आते हैं वो आते हैं एम प्लस टू एम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोन पोटेंशियल देखिये स्टूडेंट एफ एसन वो किसका एक स्टैंडर्ड हो सकती है एक रेफरेंस हो सकती है वो होती है इलेक्ट्रोन पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या उनकी रिएक्टिविटी को भी हम को कर सकते हैं तो ई जीरो ऑफ एम प्लस टू एम वैल्यू ऑफ कॉपर कॉपर की एम प्लस टू एम इट मीनस कॉपर प्लस टू से कॉपर की जो वैल्यू है वो कितनी है प्लस जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट होती है जबकि उस सीरीज में बाकी सब एलिमेंट्स के लिए वो वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव होती है तो थ्री डी सीरीज में बाकी सब एलिमेंट्स के लिए वो वैल्यू नेगेटिव है कॉपर इट सेल्फ के लिए वो कैसी है पॉजिटिव है तो उसका रीजन आपसे पूछा जाता है वाई इट इज सो तो इट इज द रीजन द हाई एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉपर टू कॉपर प्लस टू इज नॉट बैलेंड बाई इट्स हाइड्रेशन एनथेल्पी इट मीन इसकी एनथेल्पी जो हाइड्रेशन जो है वो कैसी होती है दूसरा क्वेश्चन आपका पास इसी सेगमेंट में से आएगा कि एम एन निकल और जिंक के लिए इट मीन्स एम एन टू प्लस टू एम एन ओके जिंक टू प्लस टू जिंक और निकल टू प्लस टू निकल अगर हम इन सब के लिए ई जीरो वैल्यूज देख रहे हैं तो इन सब की ई जीरो वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव आ रही है तो उसका रीजन पूछता है तो उसका रीजन आप देख सकते हो कि एम एन प्लस टू से एम एन का जो ट्रांजिशन है वो फेवर्ड नहीं होता क्योंकि एम एन प्लस क्या है थ्री है ओके okay? तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है क्यों क्योंकि हाफ फील्ड है ओके okay? हाफ फील्ड कॉन्फ्रिगेशन है इसलिए स्टेबल है इसलिए वो उसको फेवर नहीं होता ई नॉट इसी तरीके से जिंक में आ जाएगा थ्री डी टेन भी एक स्टेबल कॉन्फ्रगेशन है क्योंकि फुल फील्ड कॉन्फिगेशन है चलिए अब निकल प्लस टू जो है वो कैसा कॉन्फ्रिगेशन है थ्री डी एट है तो उसमें रीजन क्या है उसके ई नॉट के नेगेटिव होने का उसका रीजन है हाइएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एन ओके तो निकल प्लस टू निकल प्लस टू से निकल के लिए जो चेंज है जो ट्रांजिशन है उसके लिए वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव होने का रीजन है, इट हैज बिकॉज ऑफ हाइएस्ट नेगेटिव एंथेल्पी ऑफ हाइड्रेशन ट्रेंड्स इन एम प्लस थ्री टू एम प्लस टू प्लस थ्री से प्लस टू स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है कॉमनली कॉमनलीस्ट क्वेश्चन है कि से और जो ट्रांजिशन है वो कैसा होता है उससे डिफर होता है तो एम एन प्लस थ्री से एम एन प्लस टू के लिए जो है वो मच मोर पॉजिटिव है देन दीज टू तो देखो एम एन प्लस थ्री सेन प्लस टू एफई प्लस थ्री से एफ प्लस टू और क्रोमियम प्लस थ्री से क्रोमियम प्लस टू ठीक है अब जो ट्रांजिशन है अगर हम ये कह रहे हैं कि वो ट्रांजिशन फेवर्ड होगा तो हमारे पास वैल्यू कैसी आनी चाहिए पॉजिटिव तो यहाँ पे एम एन प्लस टू हमारा क्या है थ्री डी फाइव कॉन्फिगेशन आ गया तो ये हमारा क्या है स्टेबल कॉन्फिगेशन है यहाँ पर हमारा क्या एफ ई प्लस थ्री ये क्या आ जाएगा

जो कि एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है या प्रिफर्ड कंडीशन नहीं है

फ्लोराइड ओनली तो उसका रीजन यही होता है कि दोनों का साइज कैसा है स्मॉल है और दूसरे दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है हाई है ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो मेटल के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज़ करने वाले फैक्टर हैं और इसीलिए आयरन सॉरी फ्लोरिन या ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के दूसरा क्वेश्चन आता है ऑक्सो एनायन ऑफ ऑर इट मीन ऑक्सीजन के साथ में ही क्यों होता है तो देखिए फ्लोरीन के साथ तो दो फैक्टर आते हैं कि या तो क्या होगा उसकी हायर लैटिस एनर्जी होगी या उसकी बॉन्ड एंथैल्पी हाई होगी इसलिए फ्लोरीन बना लेता है बट अगर ऑक्सीजन का फैक्टर आता है तो ऑक्सीजन के पास एडवांटेज आता है कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है अगर आप नेक्स्ट सेगमेंट अभी हम देखेंगे तो o- ठीक है तो देखिए ऑक्सीजन क्या कर रहा है यहाँ पे मैंगनीज के साथ में मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है ये टेंडेंसी ऑक्सीजन के पास है फ्लोरीन के पास नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन क्या है 3p ऑर्बिटल्स है 3d के साथ में और यहाँ पे f के साथ क्या है 2d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं तो ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू मेटल दैट्स व्हाई हमारे जो ऑक्सो एनायंस बनते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन को स्टेबलाइज करने के काम आते हैं वाइज क्रोमियम प्लस टू रिड्यूसिंग एंड एम एन प्लस थ्री इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव डी फोर कॉन्फिगेशन देखिए रिड्यूसिंग अगर मैं कहूँ तो इट मीन्स ये क्या करेगा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो क्रोमियम प्लस से किस में बदल देगा क्रोमियम प्लस में बदलेगा ठीक है और ऑक्सीडाइजिंग अगर मैं कहूंगी तो ये क्या करेगा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को इट मीन एम एन प्लस थ्री से कन्वर्ट होगा ठीक है तो क्या हो गया देखो प्लस टू से प्लस थ्री में जा रहा है इट मीन्स डी फोर से डी थ्री में जा रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा जबकि इसमें क्या हो रहा है एम एन प्लस थ्री में क्या हो रहा है कि डी यहाँ पे d5 आ गया और यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो यहाँ पे आपके क्या था d3 तो d3 से d4 में जा रहा है सॉरी d4 से d5 में जा रहा है तो इट मीन्स क्या हो गया है उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है दैट्स वाई क्रोमियम क्या कर रहा है प्लस टू से प्लस थ्री में जा रहा है यहाँ पे डी थ्री जो मिल रहा है वो टी टू जी थ्री कॉन्फिगेशन है एक स्टेबल कॉन्फ्रगेशन है इसलिए उसकी टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होगी बाय लूजिंग वन डी थ्री कॉन्फिगेशन टी टू जी थ्री कॉन्फिगेशन विच इज स्टेबल कॉन्फिगेशन वेयर एज एम एन प्लस थ्री इज गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इन टू एम एन प्लस टू तो क्या हो जाएगा गेटिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ओके सो क्रोमियम तो क्या होगा रिड्यूसिंग और एम एन प्लस थ्री क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग

प्लस इज प्लस वन इज कन्वर्टिंग रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है तो so, क्या बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू रेदर देन कॉपर प्लस इज ड्यू टू द मच मोर हंड ऑफ हाइड्रेशन ओके देन कॉपर प्लस तो इस जो कॉपर प्लस टू है उसके पास बहुत ज़्यादा एंथेल ऑफ हाइड्रेशन होती है उसके कारण वो ज्यादा स्टेबल होता है जबकि कॉपर प्लस की एंथेल्पी ऑफ हाइड्रेशन उसके कंपेरिजन में कम है नेक्स्ट मूव करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स दो तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या नेचर शो करते हैं डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म इट मींस वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं हम उस एलिमेंट को तो वो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा जबकि पैरा मैग्नेटिज्म उसकी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी है तो दोनों तरीके की टेंडेंसी दिखाता है अब पैरा मैग्नेटिज्म जो है उसका रीजन क्या होता है उसका मेजरमेंट कैसे होता है पैरा मैग्नेटिज्म किसके कारण होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एलिमेंट में या आयन में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा और डायमैग्नेटिज्म में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स या हम बोल सकते हैं नो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वो एलिमेंट या आयन डायमैग्नेटिज्म शो करेगा अगर हम इस मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करना चाहें तो हम किसके थ्रू मेजर करते हैं फॉर्मूला दैट इज मूज टू रूट एन एन प्लस टू यहाँ पे एन क्या है एन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो किसी भी एलिमेंट या आयन में अगर हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता हो तो हम उसके लिए मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन बी एम मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयड इलेक्ट्रॉन तो देखिए एन इक्वल टू अगर वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है तो म्यू की वैल्यू क्या आती है वन होता है तो म्यू की वैल्यू आती है बोर होगा तो टू पॉइंट नाइन टू ठीक है तो ये बोर मैग्नेटॉन वैल्यूज आती हैं हमारे पास जब हमारा एलिमेंट कैसा होता है इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है ठीक है तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो बोर मैग्नेटोन की वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है 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 क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे कैसे आता कैसे आएगा आपको कोई भी आयन दिया हुआ ठीक है कॉपर प्लस दिया निकल प्लस टू दिया आपको उसके लिए म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको गिवन के लिए किसी भी गिवन स्पीशीज एलिमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन उसके बाद एन कैलकुलेट करिए और एन के बाद उसका फॉर्मूला लगाइए म्यूजिकल टू एन एन प्लस टू और उसका बोर मैग्नेटॉन कैलकुलेट करिए ओके जैसे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाती हूँ ये रहा क्वेश्चन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई वेलेंट आयन डायवेल्ट आयन मतलब एम प्लस टू इन एक्वा सोल्यूशन इफ एटोमिक नंबर इज ट्वेंटी फाइव एटॉमिक नंबर ट्वेंटी फाइव है तो हम पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आर्गन एटीन इलेक्ट्रॉन हो गए ठीक है फिर क्या आ जाएगा फोर एस टू ट्वेंटी हो गए थ्री डी फाइव ठीक है अब हमें क्या लेना है हमें लेना है एम प्लस टू इट मीन्स हमें ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं आर्गन थ्री डी फाइव डी फाइव इलेक्ट इट मीन्स पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए एन इक्वल टू तो फाइव का वैल्यू रखिए रूट फाइव फाइव प्लस टू बोर मैग्नेटोन इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे तो आप उस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट कोई आयन भी दे सकते हैं एग्जामिनर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना ही चाहिए जो हमने पीछे अभी पढ़ा था ये ठीक है तो क्वेश्चन आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की नेचर पूछे तब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया होना चाहिए अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरा मैग्नेटिक होगा अगर नहीं है तो वो डाय मैग्नेटिक होगा कितना उसका मैग्नेटिज्म होगा या कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन बाय हार्ट आपको लर्न होने चाहिए स्पेशली फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और थ्री सीरीज यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आय डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके आयंस क्या होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में कलर शो करते हैं तो कलर का रीजन क्या है कलर का रीजन होता है हमारे पास डीडी ट्रांजिशन ओके डीडी ट्रांजिशन

जो हमारा कलर है हमें उसका दिखाई देता है तो अगर उसने रेड रेंज की या रेड फ्रिक्वेंसी की एब्जॉर्ब की है लाइट तो वो किसका उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू कलर का कंपाउंड हमें दिखेगा येलो की है तो वो ग्रीन कलर का दिखेगा तो कलर का रीजन भी आपका एक क्वेश्चन आता है पहला रीजन वट इज वाई दे शो दलर देन सेकेंड आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है वेदर इट विल बी कलर लेस हाउ यू डिसाइडेड दैट इट मीन डी जीरो डी टेन कॉन्फिगेशन जिनके पास होंगे वो कैसे होंगे कलर लेस होंगे डी टेन डी जीरो जो कॉन्फिगेशन है उनके पास क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो डी डी ट्रांजिशन में जाए इसलिए ये कैसे होंगे कलरलेस होंगे बाकी डी वन टू डी नाइन कॉन्फिगेशन वाले क्या होंगे वो कैसे होंगे कलर्ड अब इसमें अगर आपने एक्सप्लोर किया हो पहले भी तो कॉपर प्लस टू जनरल हमें पता है ये कलर भी आपको याद होने चाहिए ब्लू होता है निकल प्लस टू जो है आपका ग्रीन कलर का होता है एफी प्लस टू जो है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है है ना एम एन प्लस टू जो है हमारा वो हमारा डार्क पिंक कलर का पिंक और डार्क वायलेट सा होता है फिर आपके पास आ गया फिर प्लस थ्री येलो ब्राउन येलोइश ब्राउनिश होता है ओके कोबाल्ट प्लस टू होता है तो हमारा लगभग पिंक टाइप का होता है डार्क पिंक सा होता है तो इस तरीके के आपको कलर भी आयंस के वाटर में पता होने चाहिए इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इन पे बेस्ट भी आपको वन मार्क क्वेश्चन मिलेंगे उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की बहुत सारी टेंडेंसी होती है पढ़ भी चुके हैं तो ये सारे एग्जाम्पल्स पहले ही देख चुके हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो लेगेंड्स के साथ में मिलके बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स बनाते वाई हैव दिस टेंडेंसी उसके तीन स्पेसिफिक रीजन आपको यूं के यूं लिखने हैं बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ द मेटालाइंस छोटे होते हैं हाई आयनिक चार्जेस उनके ऊपर बहुत वेरिएबल वैलेंसी होती है तो प्लस सेवन तक के चार्ज वो शो करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल जिसमें वो लिगेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं तो ये तीन स्पेसिफिक आपको रीजन लिखने हैं स्मॉलर साइज हाई चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटर्स जिनमें वो लिगेंट्स के इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस कैटलेटिक प्रॉपर्टी मैनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज एस कैटलिस्ट आपने पढ़ा है निकल है प्लेटिनम है पैलेडियम है ये सब कैसे कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं एल्किन के हाइड्रोजेनेशन में आपने निकल को पढ़ा है इसी तरह वी टू ओ फाइव आपने पढ़ा है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हैबर प्रोसेस में आयरन है तो ये सारे एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों यूज होते हैं तो सबसे पहला रीजन आएगा दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट they have variable oxidation state the point number 1 the second when they are used as catalyst they involve the formation of bond between reactants on the surface ठीक है उनकी सरफेस पे ऐसी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिस पे वो रिएक्टेंट्स को बाइंड कर सकते हैं एंड द लास्ट वन द दे हैव अ टेंडेंसी बाय द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन तो ये तीन आपको फैक्टर्स लिखने हैं ड्यू टू दिस द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज एज कैटलिस्ट फॉर्मेशन ऑफ इंटरशियल कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की दे कैन फॉर्म इंटस्टिशियल कंपाउंड कौन से इंटस्टिशियल इंटस्टिशियल की बात क्या होती है देखिए डियर स्टूडेंट्स अगर ये मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट है ठीक है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके बीच में ये जो स्पेस है इस स्पेस में आके क्या है छोटे एलिमेंट्स आके अकोमोडेट हो जाते हैं ये छोटे एलिमेंट जो है कार्बन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन वो आके इसमें ट्रैप्ड हो गए कभी हाइड्रोजन हुआ कभी कार्बन हुआ तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्रिस्टल लेटिस के इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल ये जो गैप होता है जो वर्ड होते हैं उस स्पेस को कहते हैं उसमें आके स्मॉल एटम्स आके ट्रैप्ड हो जाते हैं तो इस तरीके से ट्रैपिंग ऑफ स्मॉल एटम्स इन द दीशियल स्पेस कंपाउंड्स कंपाउंड्स कौन से बनते हैं? हमारे बनते हैं हैं हमारे एग्जांपल आपके पास है देखिए टाइटेनियम का कार्बाइड है मैग्नीज़ का नाइट्राइड है फेरस का फेरिक uh, का हाइड्राइड है तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं अब ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हमारे बन रहे हैं, कैसे होते हैं नॉन स्ट्राक्योमेट्रिक नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटाइन एनाइन रेशियो क्या है होल नंबर नहीं होता है इंटरस्टिशियल में स्पेस के कारण रिजल्ट होते हैं इसलिए नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक है और ना टिपिकली आयनिक होते हैं ना कोवलेंट होते हैं तो प्योरली कोवलेंट और प्योरली आयनिक इनकी नेचर नहीं होती साथ ही अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इनकी प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या चेंज आ जाता है वो हम देखते हैं कि ड्यू टू इंटस्ट्रीशल कंपाउंड्स क्या हो जाएगा अब हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा ठीक है क्योंकि जो स्पेस था वो क्या हो गया आपका इसमें ऑक्यूपाई हो गया देन दूसरा आ जाएगा दे बिकम हार्डर हार्ड हो जाते हैं तीसरा क्या हो जाएगा केमिकली इनर्ट हो जाएंगे क्योंकि इंटरस्पिशियल इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो कैसे हो गए ऑक्यूपाई हो गए तो इस तरीके से लास्ट आ जाता है उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी रिमींसल जो उनके पेरेंट एलिमेंट की थी वही रहती है कंडक्टिविटी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता बट हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं और दे बिकम केमिकली इनर्ट टेंडेंसी आती है अलोय फॉर्मेशन की तो एलोय आपको पता ही है डी स्टूडेंट एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स का ब्लेंड है होमोजेनस ब्लेंड ऑफ वन टू और मोर मेटल्स ओके तो एलोय फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों होती है क्या क्या कंडीशंस होती है

वाले क्रिस्टल लेटिस वाले आम, एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है बनाने की और वो ज्यादा अच्छी फॉर्म करते हैं एक सेगमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ जो प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे था अब नेक्स्ट सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें हमारे पास दो कंपाउंड मेजरली हमें करने हैं वो है केवेन ओ फोर एंड के टू सी आर टू ओ सेवन तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा केमेनोफोर केमेनोफोर की प्रिपरेशन के तीन मेथड हैं तीनों मेथड्स को हम स्टडी करते हैं देखिए तीन मेथड्स कौन-कौन से हैं पहला है आपका पायरोलुसाइड और से और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ठीक है दूसरा है आपका कमर्शियली और तीसरा है लेबोरेटरी में तीनों ही मेथड को हम अच्छे से करते हैं तो पहला मेथड जो है वो हमारा क्या है क्या की प्रिपरेशन फॉर पायरोलुसाइड और, तो और है हमारा तो इसमें हम क्या करते हैं एमेनोटू लेंगे प्लस हम एक बेस लेंगे दैट की एंड हम फ्यूजन कराएंगे, का और बेस का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये हमारे पास क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एनओ थ्री से हमें मिली के एनओ थ्री से हमें मिली ऑक्सीजन इन तीनों की रिएक्शन से हमारे पास क्या बना के टू एम एन ओ फोर ठीक है ये हमारा पायरोनो टू ठीक है एम एन ओ टू को जब मैंने क्यू एच के साथ फ्यूज कराया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वहां से ऑक्सीजन मिली हमारा एम एनओ टू किसमें कन्वर्ट हो गया के टू एम में ये के टू एम एच प्लस की प्रेजेंस में क्या हो जाता है KMnO4 में कन्वर्ट हो जाता है साथ में हमें वाटर मिल रहा है ठीक है और यहाँ पर हमें अगेन हमारा MnO2 प्लस वाटर मिल जाएगा मैंने पे बैलेंसिंग नहीं ली है डियर स्टूडेंट्स बैलेंसिंग के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा MnO2 और क्यू के फ्यूजन से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 कन्वर्ट हो जाएगा के टू एमेनो फोर दैट इज आवर मैंगनेट आयन पोटेशियम मैंगनेट और अगर हम इसको एसिडिफाई करते हैं एस टू एसओ फोर एच प्लस के साथ में तो ये कैसा देता है ये देता है पर मैंगनेट अब ये जो है हमारा ये कैसा होता है ग्रीन होता है और ये हमारा आ जाएगा वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन है ये आपको अच्छे से याद करनी है इसकी प्रिपरेशन मेथड फ्रिक्वेंटली हमारे एग्जाम में पूछी जाती है अब जो कमर्शियल मेथड है उसमें भी सेम यही है आप एम टू को क्यू एच के साथ फ्यूज करेंगे ओके और वॉट यू आर गेटिंग आप एम एनो फोर टू माइनस मैग्नेट आयन आपको मिलेंगे अब ये मैग्नेट आयन को हम एमेनोफोर आयन में बदलेंगे बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड ठीक है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड और ऑक्सीडेशन ओवरऑल इस मेथड की और इस मेथड की केमिस्ट्री सेम ही है आपने एम एनो टू लिया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट हो सकता है कोई आपको क्या मिले एम एनो फोर माइनस मिले मैंगनेट आयन मिले मैंगनेट आयन का आपने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया तो आपको पर मैगनेट आयन मिल गए ठीक है अब इसमें हम तीसरा मेथड जो लेते हैं वो लेबोरेटरी मेथड है उसमें हम क्या करेंगे एम एन ओ टू ही लेंगे और उसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे पर ऑक्सीडाइसल्फेट आयन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम एन ओ फोर माइनस आयन बन जाएंगे पर सल्फेट हमारा सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ओके okay, तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पर हम एम एन प्लस टू लेंगे ठीक है एम एन प्लस टू को ट्रीट कर रहे हैं हम परोगी से तो हमारे MnO4 एन ओ बन रहे हैं साथ में हमारे पास सिक्सटीन एच बन रहा है तो ये मेथड है लेबोरेटरी मेथड्स जहाँ पे एम एन ओ की आपने रिएक्शन कराई परोगी के साथ MnO4 एन मिला कमर्शियल मेथड और पायरोलोसाइट ओर से तो तीनों मेथड आपको अच्छे से पता होने चाहिए जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डार्क पल्पर कलर के होते हैं जो कि एमेनो फोर के क्रिस्टल्स होते हैं और किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल शो करते हैं किसियलो फोर के साथ स्ट्रक्चरल शो करते हैं ये आपका अगेन एम का क्वेश्चन है ओके ये भी आपका एक क्वेश्चन है और ये भी आपका एक एम का है वन मार्क का क्वेश्चन है नॉट वेरी सोल्यूबल इन वाटर वाटर में बहुत कम सोल्यूबल है और नेक्स्ट क्वेश्चन हीट करते हैं तो वेन हीट करते हैं 513 केल्विन पे हीट करते हैं तो डीकम्पोज हो जाते हैं किसमें डी के टू एम एनोफोर और एम में डीकम्पोज हो जाते हैं क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ हीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनोर क्रिस्टल्स के मेनोफोर क्रिस्टल पे हीट का क्या इफेक्ट है तो हीट का इफेक्ट आए या 513 केल्विन आपके पास लिखा हुआ आए आपको क्या बनाना है के टू एम एनोफोर और एम एनो टू बनाना है बिकॉज ऑन हीटिंग दे डीकोज इन टू एट देन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों ही कैसे हैं टेट्राहेड्रल है चाहे एम एनोफोर टू माइनस हो या एम एनो फोर माइनस हो ये मैंगनेट आयन है ओके ग्रीन कलर्ड है और टेट्राहेड्रल है कैसे होते हैं पैरा मैग्नेटिक होते हैं क्यों होते हैं पैरा मैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है टिक तो, होते हैं कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं हो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ केमेनोफोर की डे स्टूडेंट इन एसिडिक सोल्यूशन केमेनोफोर कैसे कन्वर्ट होता है एमेनोफोर माइनस कन्वर्ट होता है MN 2 में, सेवन है प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है तो बाय द गेन ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 16h+ तो ये हमारे पास ये बेसिक इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई इन एसिडिक मीडियम द चेंज ऑफ MnO4- इनटू Mn+2 अब हमें सॉल्यूशंस में ये कैसे चेंज होता है वो अगर हमें देखना है तो हम नोट कर लेते हैं देखिए क्या करता है ये i- को कन्वर्ट कर देता है i2 में ओके Fe+2 को कन्वर्ट कर देगा ये Fe+3 में इसी तरीके से सल्फाइड-2 को कन्वर्ट कर देगा सल्फर में साथ में आप देख सकते हैं so3 थ्री माइनस को कन्वर्ट कर देगा ये सल्फेट में ऑक्जिलेट आयन को सी टू ओ फोर टू माइनस क्वाइट इंपॉर्टेंट उसको कन्वर्ट कर देगा ये CO2 टू में देन हमारे पास आ जाता है नाइट्रेट आयन नाइट्राइट आयन को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट आयन में तो ये कन्वर्जन आपको अगर पता है आपको पूछा जाता है क्वेश्चन ये कन्वर्जन आपको अच्छे से पता होने चाहिए इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए इतने कन्वर्जन आपको पता है अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा एम एन ओ फोर माइनस प्लस एफ प्लस टू प्लस एच प्लस कंप्लीट द रिएक्शन ये आपके पास क्वेश्चन है तो देखिए यहां से हमको हिंट मिल रहा है यहां से हमें हिंट मिल रहा है एम एन ओ फोर माइनस एच प्लस में है। तो एम एन माइनस एच प्लस में किसमें कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में एम एन प्लस टू में कन्वर्ट होता है ये हमें पता है Fe+2 प्लस टू को किसमें कन्वर्ट करेगा एफ ई प्लस थ्री में कन्वर्ट करेगा इतना हमें चेंज अगर पता है उसके बाद हम क्या कर लेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे बाय द नॉर्मल बैलेंसिंग रिडॉक्स बैलेंसिंग जो आपको आती है उसके बेसिस पे आप करेंगे तो आप इस इक्वेशन को कंप्लीट कर पाएंगे तो किसी भी रिएक्शन को आपको ऐसे मर्ज करने की या क्रैम करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट ही उस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपके चेंज ऑफ स्पीशीज में कोई एरर ना हो न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन सॉल्यूशन में एम फोर माइनस किस में कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है एम एन ओ टू में ओके तो यहां पर हमें वही ध्यान रखना है आई माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा में ये आपको ध्यान रखना है ओके अगेन बाकी वही है एफ प्लस टू एफ थ्री में कन्वर्ट होगा बट आपके लिए ये वाली इक्वेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम करेंगे एम एन ओफोर माइनस प्लस एच टू ओ प्लस आई माइनस ओके ये आपको देखिए यहां पे आई माइनस दिख रहा है बट ये जो है ये आपका क्या है इम्पोर्टेंट हिंट है इट इज शोइंग दैट इट इज न्यूट्रल मीडियम और न्यूट्रल मीडियम है तो न्यूट्रल मीडियम में आई माइनस में कन्वर्ट होगा आई ओ थ्री माइनस में एम एन ओ फोर माइनस किसमें कन्वर्ट होगा एम एन ओ टू में ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है अगर आपने यहां पे कोई एरर नहीं की तो प्लस माइनस ये आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा Mn4 H I यहां पर अगर आता है तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एम एन प्लस टू आई टू प्लस एच टू कैसे पता चला हमें इसने हमें हिंट दिया इसने हमें हिंट दिया मीडियम कैसा है एसिडिक मीडियम आर यू गेटिंग द पॉइंट दोनों में फर्क समझिए अगर एच टू लिखा हुआ इट इज हिंट ऑफ न्यूट्रल मीडियम आपको आई माइनस को कन्वर्ट करना आई ओ थ्री में और एम एन ओ टू में एम एन ओ फोर माइनस को एम एन ओ टू में अगर आपके पास एच प्लस लिखा हुआ आपको उसको एम एन प्लस टू और आई टू में कन्वर्ट करना है गोट इट तो ये आपको इन की प्रैक्टिस करनी है देन आ जाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हमारा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी प्रिपरेशन हमारी क्वाइट इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन हमारे पास जो है वो हम करते हैं एफई सी आर टू ओ फोर ठीक है आयरन क्रोमाइट ओर है इसकी हम रिएक्शन कराएंगे एन ए टू सी ओ थ्री से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फ्री एयर तो क्या हो जाएगा हमारे पास बनेगा सोडियम क्रोमेट देखिए आयरन क्रोमाइड हमारा Na2CO3 के साथ फ्यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमारा बन गया Na2CrO4 फोर में और अब इसको हम H+ प्लस के साथ में ट्रीट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा Na2Cr2O7 पोटेशियम सॉरी सोडियम डाइक्रोमाइट और इसको अगर हम के से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा के टू टू सी आर ओ सेवन जो हमारा कैसा है ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है ओके okay, तो आयरन क्रोमाइट से आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है आयरन क्रोमाइट ओर को आपने फ्यूजन कराया एन ए टू सीओ थ्री के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर किस में कन्वर्ट हो गया एन ए टू सी आर ओ फोर में क्रिएट हो कन्वर्ट हो गया जिसको हम एसिडिफाई कर रहे हैं h+ के साथ में तो इट विल कन्वर्ट इनटू na2cro7 ये क्या है सॉल्युबल कंडीशन में रहता है हमें इसके क्रिस्टल्स नहीं मिल रहे हैं हम इसको ksc से ट्रीट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा k2cro4 के ऑरेंज क्रिस्टल्स क्लियर देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ ph इफेक्ट ऑफ ph में क्या देखेंगे देखिए ये आपके पास सी आर ओ फोर टू माइनस और यहाँ पे सी आर टू ओ सेवन टू माइनस अभी हमने देखा था अगर आप को याद यहाँ यहां दिखे देखिए सी आर ओ फोर माइनस आयन था एच प्लस कर रहा तो किस में बदल गया सी आर टू ओ सेवन माइनस टू में तो एच प्लस में क्या होगा एसिडिक मीडियम में क्या हो गया CrO4- ओ फोर माइनस जो कैसा है येलो और किस में कन्वर्ट हो गया डाइक्रोमेट आयन में जो कैसा है ऑरेंज अगर मीडियम को हमने बेसिक कर दिया मीडियम को हमने बेसिक कर दिया ओ एच माइनस तो क्या हो जाएगा ऑरेंज कलर के आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे येलो कलर के क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ पी एच तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो पीएच लो कर रहे हो और यहाँ पे आप पीएच इंक्रीज कर रहे होना ये ध्यान रखिएगा अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर देख के ही पता चल रहा है आपको कि यहाँ क्रोमेट आयन कैसा है टेट्राहेड्रल है डायक्रोमेट आयन इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ टू टेट्राहेड्रन बॉन्ड एंगल कितना आ गया 126 डिग्री आ गया क्रोमेट आयन येलो कलर के हैं डायक्रोमेट आयन आपके ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स हैं। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ के करनी है तो वो भी वही है कि हो हो जाता है? Chromium, plus 3 में convert हो जाता है है में में हुआ बाय द गेन ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन तो फोर्टीन एच प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन क्रोमियम प्लस थ्री प्लस सेवन एच टू ये इसकी इक्वेशन है आपको ध्यान रखना है डायक्रोमेट आयन बाय द गेन ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम प्लस थ्री में ऑक्सीडाइजिंग नेचर वही i- को कन्वर्ट करेगा i2 में no2- को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में जैसा हमने पीछे किया था वही sn+2 को कन्वर्ट करेगा sn+4 में और क्या था fe+2 को कन्वर्ट कर देगा fe+3 में ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसकी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसकी इक्वेशंस है आपको इसी तरीके से कंप्लीट द इक्वेशन मिलेगी सीआर टू सेवन टू माइनस प्लस टू प्लस मीडियम यहां से आपको एसिडिक मीडियम का हिंट मिला तो एसिडिक मीडियम में आपको पता है सीआर टू सेवन किसमें कन्वर्ट होगा क्रोमियम प्लस थ्री में आयरन किसमें कन्वर्ट होगा प्लस टू में दोनों को जोड़ दीजिए साथ में रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ओके द थर्ड सेगमेंट ऑफ द चैप्टर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनोइड्स एक्टेनॉइड्सॉइड्स की बात करते हैं तो लेंथेनॉइड हम पहले ही पढ़ चुके हैं दीज आर द एलिमेंट्स है ना फोर एफ सीरीज हमारी बनती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर करता है फोर एफ में कहा से स्टार्ट होते हैं सीरियम से लेके ल्यूटी फिफ्टी एट टू सेवेंटी वन तक ये आपके पास एलिमेंट है ये फोर्टीन एलिमेंट्स को हम लेंथे बोलते हैं सीरियम प्रेजियोडाइमियम न्योडाइमियम प्रोमिथियम सेमेरियम यूरोपियम गिनियम टर्बियम डाइसप्रोसियम होलमियम थूलियम थोलियम और ल्यूटीशियम ये हमारे एलिमेंट्स हैं फोर्टीन और ये उनका कॉन्फ़िगरेशन है कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए यहाँ पर इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया कि आपके फोर एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 6S में कितने हैं टू और डी में कितने हैं तो थ्री जीरो टू फोर जीरो टू यहाँ पे मैं फोर एफ लिख रही हूँ यहाँ फाइव डी लिख रही हूँ यहाँ सिक्स सिक्स एस लिख रही हूं, लिख रही हूं, 6, लिख रही हूं तो अगर इस तरीके से याद करना हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं फाइव जीरो टू सिक्स जीरो टू सेवन जीरो टू सेवन वन टू अब गैडोलिनियम में हमारा क्या है फोर एफ कॉन्फिगेशन आ गया फिर हमारे पास नाइन जीरो टू टेन जीरो टू ये आ गया फोर एफ फोर्टीन और ये फोर्टीन वन टू देखिए तो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमें पता चलता है कि क्या एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है तो एलिमेंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए चौदह एलिमेंट्स हैं ये उनके सिंबल ये उनका जेड दिया हुआ है और ये उनका कॉन्फ्रिगेशन है कॉन्फ्रिगेशन को याद करने के लिए आपके पास ये तरीका है कि आप यहाँ पे प्रेजियोडाइमियम में थ्री जीरो टू से स्टार्ट होते हैं फोर्टीन वन टू तक जाएंगे यहाँ पर आपके पास सेवन वन टू आएगा एट जीरो टू नहीं आता होना क्या चाहिए नॉर्मल फिलिंग के अकॉर्डिंग एट जीरो टू होना चाहिए बट वो नहीं होता सेवन वन टू

Point, 1623 आपके आइडिया के क्वेश्चन हैं जो वन मार्क की क्वेश्चन की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्रॉम देंथेनाइट सेगमेंट दैट इज एटोमिक एंड आयनिक साइजेस जिसपे हमारे पास आएगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन हम पहले भी डील कर चुके हैं कि लेंथेनम से लेके लुटिशियन तक क्या होता है देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ओके इसे हम क्या बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज में हो रहा है इसलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रीजन क्या होगा रीजन होगा पुअर फील्ड शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन ये इसका रीजन है ओके okay, क्या होता है देखिए लेंथेनम से ल्यूटिशियम तक जा रहे हैं Z बन रहा है Z इंक्रीजेस ठीक है बट शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उतना इंक्रीज नहीं होता Poor है, okay? shielding effect is not effective. इसको ना लिखेंगे, poor लिखेंगे. तो क्या हो 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 जाएगा? जाएगा? क्या 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 गया? तो हम पहले भी पढ़ चुके कि size और shielding effect का रीजन रहता है तो आपको सिंपल डेफिनेशन पूछे तो ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथनॉइड एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर इज एज डेन्थोलॉइड कॉन्ट्रेक्शन रीजन एज

एक एग्जाम्पल आपके पास जर्कोनियम एंड हॉफमियम है क्वेश्चन की लैंग्वेज सीरीज के साइज के फॉर्म में आए या जर्कोनियम या फॉर्म की की में बोला था कि फर्स्ट में तो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है बट सेकेंड और थर्ड में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है वो भी किसके कारण होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन इस लेंथन ऑड्रेक्शन के कारण सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ इंक्रीज हो हो जाता 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 है 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 बिकॉज क्या स्मॉलर होता तो स्मॉलर कैटाइन कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड तो, तो लेंथेनम से लेके ल्यूट्रीशन तक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड की स्ट्रेंथ क्या होती है डिक्रीज होती जाती है तो इन पे आपको ऑर्डर मिले तो वो भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बेसिक स्ट्रेंथ सीरीज में कम होती जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथ की बात करते हैं जनरली क्या होती है प्लस थ्री जो होती है मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है पर प्लस टू एंड प्लस फोर भी पाई जाती है कहाँ पाई जाएगी देखिए अभी दिखाती हूँ रीजन आपको उसका पता चल जाएगा ये देखिए हमने कहा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद प्लस प्लस फोर पाई जाएगी। तो प्लस इसी तरीके से फोर एफ सेवन और फोर एफ फोर्टीन का हाफ फिल्ड एंड फिल्ड का स्टेबल कॉन्फ्रिगेशन आया इसी तरीके से आपका टर्बियम फोर प्लस दिखाएगा सीरियम भी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा क्यों दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फोर एफ सेवन कॉन्फ्रिगेशन आ जाएगा और यहाँ पे फोर एफ जाएगा तो सीरीज में देखने से आपको पता चल रहा है कि यूरोपियम और अटर्बियम जो है या टर्बियम वो क्या दिखाते हैं प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं बट टर्बियम और सीरियम क्या है प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं ड्यू टू गेटिंग फोर एफ जीरो फोर एफ सेवन स्टेबल कॉन्फ्रिगेशन चलिए आगे देख लेते हैं सीरियम प्लस फोर इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन बट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट यह भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई सीरियम प्लस फोर इज बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सीरियम प्लस फोर है सीरियम प्लस थ्री में बदल जाता है ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इट इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इसका f0 कॉन्फिगरेशन है और यहाँ पे f1 कॉन्फिगरेशन है बट क्यों इसमें रिवर्ट हो रहा है बिकॉज़ इट इज मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंटेनाइड्स ओके कलर की बात करें तो मेनी ट्राइवेन्ट एन आयन कलर होते हैं जैसा हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था कलर का रीजन वही है प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स और जो कलर बैंड्स होंगे वो कैसे होंगे नैरो होंगे अगर हम डी ब्लॉक के कम्पेरिजन से बात करें तो इनके एब्जॉर्प्शन बैंड्स नैरो होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन विद इन एफ लेवल एफ टू एफ ट्रांजिशन होता है रीजन ऑफ कलर इज एफ एफ ट्रांजिशन के प्लस थ्री और ल्यूटेशियम प्लस थ्री कलरलेस होते हैं क्यों हो जाएंगे क्योंकि एफ जीरो और एफ फोर्टीन कॉन्फिगेशन क्या होंगे कलरलेस होंगे बाकी सारे कॉन्फिगेशन कैसे होंगे कलर्ड होंगे क्योंकि एफ एफ ट्रांजिशन पॉसिबल होगा केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली हम लेंथेनोइ को शो करते हैं एल से अगर अब मैं इनके ऑक्सीड रिएक्शंस कराती हूँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो देखिए एल है प्लस थ्री शो करते हैं हमने पहले ही पढ़ लिया बिहेवियर शो कर रहे हैं तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे ऑक्साइड्स बनाएंगे एल एन टू ओ थ्री ठीक है के साथ रिएक्शन करी क्या बनेगा हेलाइड्स बनेगा एलेन एक्स थ्री सल्फर के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा सल्फाइड्स बनेगा एलेन टू एस थ्री कार्बन के साथ बनाया तो क्या बना कार्बाइड्स बना एल एन टू सी थ्री कार्बाइड्स की बहुत सारी रेंज बनती है इसी तरीके से वाटर के साथ कराया तो क्या बना हाइड्रोक्साइड्स बन गया जैसा हमारा मेटल्स का बिहेवियर होता है उसी तरीके का लगभग ये बिहेवियर शो करते हैं तो इस तरीके से आपके पास आ जाती हैं और कोई रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो नाइट्राइड्स बन जाएंगे। ओके okay, तो ये जनरल इनके आपके पास रिएक्शंस आ गई और अगर मैं बात करूं एसिड्स के साथ में एसिड्स के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा एच टू रिलीज करेंगे तो जनरल आइडिया आपके पास आ गया क्यों है क्योंकि ये कैसे है मेटलिक बिहेवियर शो करें नेचर में मेटेलिक है इसलिए जो मेटल्स यूज कर जो मेटल्स जिस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं वैसा ही ये बिहेवियर शो करेंगे अब यूजेज की बात करते हैं तो यूजेज में इसकी एलॉय आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसकी एलॉय है वो है मेश मेटलॉइड की एलॉय का नाम है मेश मेटल क्वाइट क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके क्या होता है इसमें लेंथेना सॉरी लेंथेनॉइड होते हैं नाइंटी फाइव परसेंट लेंथेनाइड है फिर उसके बाद आयरन है उसमें फाइव परसेंट और ट्रेसेस ऑफ सल्फर कैल्शियम एलुमिनियम उसमें प्रेजेंट है कहा यूज होती है ये एलोय ये होती है गैस लाइटर सिगरेट लाइटर के फ्लिंट्स बनाने में में। ओके okay, तो ये आपको ध्यान रखना है लेंथे की जो एलॉय है उसका नाम है मिश मेटल और वो कहाँ यूज हो रही है गैस लाइटर सिगरेट लाइटर्स के फ्लिंट्स में और बुलेट शेल की कवरिंग में बुलेट शेल से या बुलेट की कवरिंग में, ओके। अब नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं एक्टेनोड्स। एक्टेनोड्स अगेन एक्टिनियम के बाद के चौदह एलिमेंट जो है वो हमारे एक्टिनोइड्स की कैटेगरी में है एटॉमिक नंबर नाइनटी टू वन जीरो थ्री कौन कौन से एलिमेंट है थोरियम प्रोटेक्टिनियम प्रो यूरेनियम नेपचूनियम प्लूटोनियम और

सेवन एस मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा अब थोरियम के लिए क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर फोर एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है एक भी नहीं है डी में कितने दो और एस में कितने दो फिर यहाँ पे यहाँ पर क्या जाएगा वन टू फोर वन टू उसके बाद आप वैसे ही देखिए सिक्स जीरो टू सेवन जीरो टू सेवन वन टू क्यूरियम आपका वो एलिमेंट आ गया है? जहाँ पे क्या आ गया हाफ फिल्ड कॉन्फ्रिकेशन आ गया फिर नाइन जीरो टू ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस कैसे आ गए जो आउट ऑफ ट्रैक आ गए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्ट्रीगन के अकॉर्डिंग ये कैसे आ गए एक्सेप्शनल कॉन्फ्रिगूशन हो गए तो ये आपको ध्यान रखने हैं इसमें भी क्या हो जाएगा अब जनरल अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं तो दे आर ऑल्सो सिल्वरी इन अपेरेंस. अब मैक्सिमम जो है मैक्सिमम क्या लगभग ये सारे कैसे हैं रेडियो एक्टिव हैं यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिव है जबकि लेंथेनोइड में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है दैट इज प्रोमीथियम पीएम

एक्टिनाइड सीरीज में हो रहा है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं सीरीज, रीजन क्या होगा? Again, 5F The reason is 5F की बात करेंगे तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन से इसका एक्सटेंट ज्यादा होता है क्लियर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस थ्री है प्लस प्लस फोर से लेके प्लस सेवन तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी जाते हैं ये एक डिफरेंस है इनका लेंथेनॉइड से क्यों होता है बिकॉज़ ठीक है एन एस एन माइनस वन डी और एन माइनस टू एफ सभी शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं यहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं इसलिए ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पर देख सकते हैं इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और में देखी थी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस सेवन तक भी जाती है ठीक है इन प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम एंड नेपचुनियम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो जैसे हमें बताया था कि रेडिएक्टिव है तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और फाइनली डिवाइडेड होते हैं तो और भी रिएक्टिविटी उनकी ज्यादा हो जाती है विद बॉइलिंग वाटर दे फॉर्म्स ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स के साथ में क्या बनेंगे वही सल्फाइड्स बनेंगे अगर सल्फर से रिएक्शन करेंगे सल्फाइड्स बनेंगे कार्बन से रिएक्शन करेंगे कार्बाइड्स बनेंगे हेलोजन से रिएक्शन करेंगे हेलाइड्स बनेंगे तो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वो शो करते हैं विद एच सी एल उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ओके बट एच एन ओ थ्री का उनपे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता तो अगेन ये क्वेश्चन आता है कि एच के साथ होगी एच टू रिलीज होने की पॉसिबिलिटी होती है एच का इफेक्ट पड़ता है बट एच्री के साथ इनका इफेक्ट नहीं पड़ता क्यों बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो आज का हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है बहुत छोटा सा चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हमें प्रॉपर्टीज पे ज्यादा अपना कंसंट्रेशन रखना है अपना अटेंशन रखना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हमें मेनली उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन और उन पर बेस्ड प्रॉपर्टीज पे साइज कॉन्ट्रेक्शन पे ध्यान देना है के टू सीआर टू सेवन और केमेनोफोर के केस में हमें प्रिपरेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर की इक्वेश पर अपना अटेंशन रखना है नाउ इट्स टाइम टू ट्रेन योर ब्रेन देखते हैं कितना हमने समझा है Which of the following element has maximum density? हमने देखा था D -block elements में में क्या होती है 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 के साथ में, size decrease होता है, density बढ़ती जाती बट द ऑस्मियम एलिमेंट इज दस्ट एलिमेंट अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपको फैक्ट की तरह याद करना है ऑस्मियम इज मैक्सिमम डेंसिटी इन एसिडिक मीडियम वन मोल ऑफ एमेनोफोर माइनस

फॉर्म कंपाउंड जो कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएगा. Chromium, manis, तो बनाएगा ही नहीं क्योंकि नहीं है. Iron, क्योंकि इनमें क्या आएगा पार्शियली फिल्ड आएंगे तो हमने देखा था ये बनाते हैं क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स ग्रीन होते हैं आयरन के भी येलो भी देखा हमने और ग्रीन भी देखा प्लस टू जिंक जो है वो कलर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा क्यों क्योंकि इसके पास क्या है

स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम वेनेडियम का हमारा क्या आ जाएगा डी थ्री एस टू थ्री डी थ्री फोर एस टू दो यहां से डी टू कॉन्फिगेशन आ गया दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए एम एन प्लस थ्री डी फाइव एस टू दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए डी फोर फोर इलेक्ट्रॉन अनपेड आ गए एफ ई प्लस थ्री थ्री डी सिक्स फोर एस टू दो इलेक्ट्रॉन यहां से गए डी फाइव कॉन्फिगेशन आ गया फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए और कॉपर प्लस टू थ्री डी टेन फोर एस वन इलेक्ट्रॉन आ गए इलेक्ट्रॉन है एन इक्वल टू वन तो आपके पास किस में आए एफ प्लस थ्री में तो मैक्सिमम मोमेंट कौन शो करेगा एफ थ्री सिगरेट और गैस लाइटर फ्लिंट इज मेड अप ऑफ अभी मैंने आपको बताया कि जो लेंथेनॉइड मेटल्स हैं एलिमेंट्स हैं उनकी एलॉयमिश मेटल से सिगरेट और गैस लाइटर के फ्लिट बनते हैं रिडक्शन इन साइज विद इंक्रीज इन नंबर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटोमिकॉइड एंड एक्टेनॉइड का कॉन्ट्रेक्शन है हाई एटोमिक मास नो डी ब्लॉक नो एफ ब्लॉक यस एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारे सीरीज में और दोनों ही सीरीज में में साइज में शो करते हैं विद इंक्रीजिंग दो मास आज के चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स इतना ही आज का गुरु मंत्र पे बात करते हैं राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों में जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है तो रातों की नींदों को जीतिए मेहनत करते रहिए आपकी सक्सेस श्योर है Keep practicing, keep learning. Thank you.